कुछ वक्त तक टेलीविजन से दूर रहने के बाद कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनकी टीम वापसी के लिए तैयार है। द कपिल शर्मा शो के प्रीमियर से पहले कपिल शो के प्रमोशन के लिए भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपने अंदाज में अपनी बात रखी। मकसद ये रहेगा कि वो आए, उनकी स्ट्रगल की बात करें, ऐसी कौन सी चीज थी उनको जो उन्होंने अपना लक्ष्य साधा और उसमें बाद में कामयाब भी हुए। सो मेरा उनको बुलाने का मकसद यही है और बाकी देखते हैं वो आप आते हैं। सर ऐसे तो 150 करोड़ लोग हैं, मैं सबको न्यूज में आके कि उसने टेक ओवर किया ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारा शो बंद हो चुका है, वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल था, अलग टीम थी, हमारा कोई भी आर्टिस्ट वहाँ पे नहीं है और उनका फॉर्मेट भी अलग है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, वो सेट हमारा ही वही इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो शो हमने छोड़ दिया। अब वो सर अगर हम लोग पीछे मुड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आगे लाइफ में कैसे बढ़ेंगे। सो मैं उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ सर, हमें एक अगला नया शो बनाना है, हैप्पी शो बनाना है। सो हम लोग की सारी एनर्जी उस समय वहीं पर लगी हुई है। तो सबसे मुझे खुशी की बात तो यही है कि मैं सुनील को अच्छे कपड़ों में देख रहा हूँ। नाराज होकर नहीं चली गई थी, वो अफवाह थी सर, ये इनको स्टार चैनल नजदीक पड़ता था इनके घर के, तो ये उधर चले गए एकदम जल्दी से।